सीनियर सियासतदान सुहेल जिया भट्ट की साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और मरहूमा के एहसाल सवाब के लिए फातिहख्वानी भी की गई। इस मौके पर साबिक MNA उमर सुहेल भट्ट भी मौजूद थे। आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान सुहेल जिया भट्ट की साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और मरहूमा के एहसाल सवाब के लिए इस मौके पर खसूसी दुआ भी की गई है और फातिह खानी भी की गई। साबिक MNA उमर सुहेल भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे। ठीक है, हमारे साथ उमर असलम मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। उमर असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, बताते चलें कि सीनियर सियासतदान सुहेल जिया भट्ट और उनके साहबजादे साबिक MNA उमर सुहेल जिया भट्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से जाती उमरा रायबंद में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर सुहेल जिया भट्ट ने मोहम्मद नवाज बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। इस मौके पर मरहूमा की रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिहा खानी भी की, जबकि जाती उमरा रायबंद में जो कब्र है बेगम कुलसूम नवाज की उस पर हाजिरी भी दी। मुस्लिम लीग कायद और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ, सुहेल जिया भट्ट और साबिक MNA उमर सुहेल जिया भट्ट ने फातिहा खानी की मरहूमा की रूह के एहसाल सवाब के लिए। इस मौके पर सीनियर सियासतदान सुहेल जिया भट्ट का कहना था कि जो कि इस घड़ी में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, उनका कहना था कि मरहूमा को के लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जी